अरे इतना कम टाइम में मेरा पोला ब्लू पैरेट्स की बेबीज कितना ज़्यादा बड़ी हो गई है। ये लोग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ही क्यूट लग रही है। बस ये लोग कलर आना जो है वो बाकी है। कलर अब आ जाएगा तब ये अपने सेम पैरेंट फिश की तरह लगेगी, लेकिन अभी ये आप लोग जैसे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है। और ये लोग कैसे टॉप में आके अभी पैलेट्स वगैरह को इंजॉय कर रही है। हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज सुबह ही सुबह मुझे फिश शॉप वाले का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि मैं एक फ़िश ऑर्डर किया था, वो फ़िश जो वो आ चुका है उसके पास, तो वो फ़िश को जल्द से जल्द ले जाने के लिए। तो मुझे सबसे पहले वहाँ पर फ़िश शॉप भी जाना होगा, वहाँ से वो फ़िश को पिक करना होगा। उसके साथ ही साथ मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी ये है कि वो फ़िश को मैं रखूँगा कहाँ? मैं ऑर्डर तो कर दिया था, लेकिन वो फ़िश को रखने के लिए मेरे पास अभी कोई भी जगह नहीं है। ये मेरा अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो वो उसको भी अभी मैनेज करना होगा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं फ़िश शॉप, वहाँ से वो फ़िश बाय कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ का शॉप्स वगैरह जो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जैसे कि आप लोगों को पता है, तुरंत ही फ़िश आता है तुरंत ही सेल आउट हो जाता है। इसलिए मुझे सबसे पहले जाना होगा फ़िश शॉप, वहाँ से वो फ़िश को सबसे पहले बाय करना होगा, उसके बाद अपने घर आना होगा, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं फ़िश शॉप में आ गया हूँ और वो सबसे पहला टैंक में वही फ़िश है जिसको मैं बाय करने का सोच रहा हूँ, और वो ये फ़िश है, ग्रीन टेरर फिश। ये फ़िश को मैं काफ़ी दिनों से लेने का सोच रहा था और ये बहुत ही परफेक्ट साइज़ की है, जो साइज़ की मुझे चाहिए था वही साइज़ की है, तो ये फ़िश को मैं लूँगा। उसके साथ ही साथ देखते हैं और क्या है। शेवरन्स, कॉमन शेवरन्स हैं और ये सारी फ़िशेस भी अच्छी है, लेकिन मेरे टैंक में जगह ही नहीं है। ये सबको लूँगा तो रखूँगा कहाँ पर? दूसरा आपका वही गोल्ड फिशेस वगैरह, इसमें भी बहुत सारा खाली हो गया है। नीचे भी गोल्ड फिशेस है बहुत सारा, बहुत सारी कोई फिशेस वगैरह भी है। और ये वाला टैंक सबसे खूबसूरत पैरेट एंड ऑस्कर फिश का, और इसमें कुछ सिल्वर डॉलर्स वगैरह भी है। बहुत ही ब्यूटीफुल टैंक है, ये सारी फिशेस काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है इस टैंक में। नीचे में एक और खूबसूरत शेवरम है, और नेक्स्ट टैंक में एक बड़ी सी, सॉरी बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी एरवाना फिश ये अकेले इस टैंक में, और नेक्स्ट सारी टैंक में छोटी छोटी स्पीसीज़ की फ़िशेज़ वगैरह है, बहुत सारी बाब्स वगैरह है। हर टैंक में छोटी स्पीसीज़ की फ़िशेज़ बहुत सारी है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं टाइगर बाब्स वगैरह, उसका दोनों स्पीसीज़ है, अल्बाइनो एक है, और नीचे में भी कुछ आपकी, अच्छा ये डिस्कस फिशेस वगैरह बहुत ज़्यादा डरी हुई है, आप जैसे देख रहे हैं एकदम कोना में छुप के बैठी हुई है। और ये लोग का स्पॉट्स हो गया है, ब्लैक स्पॉट्स वगैरह हो गया है, तो ये लोग को छोड़ देते हैं। नीचे में और कुछ ऑस्कर्स है, ये सारा ऑस्कर्स भी बहुत ज़्यादा डरी हुई है। यहाँ पर कुछ बड़ी साइज़ की ऑस्कर्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी। तो चलिए अब मुझे जो फ़िश चाहिए वो सारे फिशेस को बाय कर लेते हैं, और उसके बाद आप लोग से मिलते हैं अपने घर में। फाइनली मैं घर आ गया हूँ उस फिश को लेके, और ये है वो फिश। इस फिश का मुझे काफ़ी दिन से इंतज़ार था, फाइनली मैं इस फिश को बाय करके लेके आ गया हूँ। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस फिश को रखने का, क्योंकि मेरे पास अभी कहीं पर भी स्पेस नहीं है ये फ़िश को रखने का। और ये फ़िश आप लोगों को जैसे पता है बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होता है, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए इसके लिए कुछ अलग टैंक सेटअप वगैरह करना होगा। लेकिन अभी तो मैं इसको कहीं अलग टैंक सेटअप नहीं कर सकता, मेरे पास अभी बस एक ही स्पेस है जहाँ पर मेरी शॉर्ट बॉडी हॉर्न है, वो ये वाले ब्लैक वाले टैंक में। तो मैं अभी इसको अपने वही ब्लैक वाले टैंक में डाल के देखता हूँ मेरे शॉर्ट बॉडी हॉर्न का क्या रिएक्शन है, क्योंकि इतने दिन में मेरा शॉर्ट बॉडी हॉर्न जो वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। देखते टैंक में डालने के बाद मेरा शॉर्ट बॉडी हॉर्न का रिएक्शन, अगर रिएक्शन सही रहता है तब अभी कुछ दिन के लिए मेरे वो टैंक में रहेगा, अगर सही रिएक्शन नहीं रहेगा तब बहुत ही बड़ा हेडेक है। तो चलिए इसको अपने टैंक में डालते हैं और देखते हैं शॉर्ट बॉडी हॉर्न का रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने इस फिश को इस नेट में पकड़ लिया और इसको अब जल्दी से रिलीज़ कर देते हैं। अभी मुझे डर है कि ये फिश जो है ये ज़्यादा कुछ परेशान ना करे, ये नहीं करेगी, शॉर्ट बॉडी हॉर्न का ही मुझे डर है क्योंकि वो पुराना इस टैंक में रहा हुआ है। तो चलिए अब इसको बंद करते हैं और देखते हैं ये क्या चल रहा है माजरा। तो शॉर्ट बॉडी हॉर्न अपना स्टार्ट कर दिया है अटैक्स, मुझे पता ही था कि ये कुछ ऐसा ही होगा। और नहीं, ये देख के मुझे समझ में आ गया कि इसको रखना यहाँ पर सेफ नहीं है, क्योंकि शॉर्ट बॉडी हॉर्न आप जैसे देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अटैक कर रहा है। तो चलिए अब इसको सेपरेट करना होगा, ये मुझे समझ में आ गया।
इसमें रहने देंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ये अभी से ही करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब जल्द से जल्द इसको पहले यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। एज एक्सपेक्टेड वही हुआ, तो मैं फाइनली इस शॉर्ट बॉडी हॉर्न को यहाँ से सेपरेट कर लिया हूँ, और ये शॉर्ट बॉडी हॉर्न को मैं अभी सोच रहा हूँ इस टैंक में डाल दो। ये टैंक में अभी ये थोड़ा दिन रहेगा तो थोड़ा शांत होगा, उसके बाद मैं उसको वापस उस टैंक में डालूँगा। तो अभी इसको इस टैंक में ही छोड़ देता हूँ, ये यहाँ से निकल जाएगा। और ये फ़िश को अभी यहाँ पर रहने देता हूँ, क्योंकि वो अभी ये अभी न्यू है, इसको मैं अगर अभी ज़्यादा छेड़छाड़ करूँगा तो ये हो सकता है ये इसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो, इसलिए मैं अभी इसको यहीं पर छोड़ देता हूँ। और देखता हूँ थोड़ा दिन हो जाएगा, जब एडजस्ट हो जाएगा दोनों फिशेस, तब फिर मैं कुछ येलो के लिए अलग टैंक सेटअप करूँगा। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोग जैसे देख रहे हैं कि ये सारे फिशेस को अपने टैंक में एडजस्ट कर पाना कितना ही ज़्यादा मुश्किल है। न्यू फिश लेके आया, उसके साथ भी वही प्रॉब्लम हो गया। टैंक जो है, टैंक का कमी मेरे पास बहुत ही ज़्यादा है, तो मुझे टैंक्स वगैरह बाय करना होगा। बस ये रूम को थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट करना होगा फिशेस के लिए, बट अभी के लिए ठीक है। शॉर्ट बॉडी हॉर्न मेरा उस नीचे वाले टैंक में रहेगा, और वो जो अभी न्यू फिश आया है वो मेरे उस टैंक में रहेगा। वो थोड़ा सा अभी एडजस्ट हो जाए इस इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि शॉर्ट बॉडी हॉर्न जो है वो अच्छे से मुझे समझ गया, वो अब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ का इन्वायरमेंट को समझ गया है, इसलिए उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं कहीं पर भी उसको शिफ्ट करता हूँ तो वो हर जगह पैलेट्स वगैरह सही से खाएगा सब कुछ, उसका कोई भी चीज़ जो है वो सारा चीज़ उसका नॉर्मल रहेगा। लेकिन वो न्यू फिश के साथ जो है उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, इसलिए मैं उसको अभी अच्छा जगह प्रोवाइड किया हूँ जहाँ पर वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए, उसके बाद मैं उसके साथ थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट्स करूँगा अपना नया नया टैंक में डाल के। बट अभी के लिए शॉर्ट बॉडी हॉर्न नीचे के टैंक में और वो नया फिश इस टैंक में बिल्कुल ही सही है। सो काफ़ी लोग मुझे अपना पोलर ब्लू पैरेट्स का बेबीज़ के बारे में पूछ रहे थे, तो वो सारा पोलर ब्लू पैरेट्स का बेबीज़ लोग यहाँ पर हैं। ये लोग आप अब जैसे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, अब ये लोग थोड़ा थोड़ा सा शेप में आ गया है पोलर ब्लू पैरेट फिश का। बस ये लोग अभी कलर्स वगैरह जो है वो नहीं आया, तो वो भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा। और ये लोग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, तो ये लोग का तो मुझे ऐसा ज़्यादा टेंशन नहीं है। और यहाँ पर उसकी पैरेंट फिश है जो कि हमेशा छुपी हुई रहती है, और बेबीज लोग को भी मुंह से उठा के एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती है। तो ये सारा बहुत ही अच्छा टैंक है ये टैंक में मैं सोच रहा हूँ दोबारा फिर से ब्रीडिंग करूँगा, क्योंकि ये टैंक में आप जैसे देख सकते हैं बहुत सारा हाइडिंग प्लेसेस है, और ये सारा हाइडिंग प्लेसेस में ये सारी बेबीज़ लोग जो है वो छुपी हुई रहती है, खेलती है, खाती पीती रहती है। और क्योंकि इस टैंक में ढेर सारा प्लांट्स है, इसलिए फिल्ट्रेशन भी जो है वो बहुत ही इजीली प्लांट्स वगैरह कर देता है, इसलिए ये टैंक जो है इस फिश के लिए और इस फिश की बेबीज़ के लिए और मेनली इस फिश को ब्रीडिंग करने के लिए सबसे बढ़िया टैंक है। और इसके बगल वाले टैंक में भी मेरा दोनों पोलर ब्लू पैरेट्स है, वो लोग पता नहीं क्या करते रहता है पीछे में, आप लोग जैसे देख रहे हैं ये लोग कुछ फाइट करते रहता है, लेकिन ये लोग ब्रीड नहीं कर रहा, ना ही कोई एग्स वगैरह ले कर रहा है। बस ये लोग में जो है फ़ाइट जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है, अभी काफ़ी दिन हो गया ये दोनों पोलर ब्लू पैरेट को एक साथ डाले हुए, लेकिन ये लोग ब्रीडिंग नहीं कर रहा। और हर दिन एक जैसे कि पहले प्रॉब्लम था प्लांट्स को खा दे रहा है, अप्रूट कर दे रहा है, लेकिन वो कॉमन है, पोलर ब्लू पैरेट्स तो ये सारा चीज़ करता ही है, क्योंकि ये लोग प्लांटेड टैंक के लिए बना नहीं है, मैं ज़बरदस्ती रखा हूँ। तो ये सारा प्रॉब्लम्स के लिए तो मैं रेडी हूँ, बस मेरा विश यही है कि ये लोग भी जल्द से जल्द ब्रीडिंग करें, और इतना सारा बेबीज जैसे कि ये फिश टैंक में है वैसे ये लोग भी जल्द से जल्द दे दें। तो अभी शाम का वक्त हो रहा है, तो चलिए अब देखते हैं ये फिश का जो कंडीशन है वो कैसा है, क्योंकि उस टाइम पे वो न्यू आए थे तो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। और अब ये जो फिश है ये बहुत ही ज़्यादा आप लोग जैसे देख सकते हैं अब एक्टिव है, ये आप देखिएगा ये बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल फिश है। इसको लाने के बाद अपने टैंक में डालने के बाद मुझे समझ में आ रहा है ये फिश जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल फिश है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव फिश है। ये मेरे साथ भी अब उतना ज़्यादा डर नहीं रही है, मेरे साथ भी बहुत ही ज़्यादा ये फिश जो है वो खेल रही है, और इसका कलर्स वगैरह अभी छोटे के टाइम में ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसका कलर्स वगैरह और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा, तो उस टाइम तक मुझे वेट करना होगा। बट ऐसे ये फिश बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप लोगों को ये फिश कैसा लगा ज़रूर नीचे कमेंट डाउन कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक ही है, होप करता हूँ आज का जो मेरा जर्नी आप इसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किए होंगे। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, फिश रिलेटेड कंटेंट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विथ मी, और अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।